दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। देश में लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूरों और रोज कमाकर खाने वालों के पास संकट पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में कई बॉलीवुड सेलेब्स सामने आए हैं और उन्होंने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन देकर इन लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सोमवार के दिन सलमान खान ने करीब 7,000 मजदूरों के अकाउंट में 3,000 रुपए के हिसाब से हर मजदूर के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। आपको बता दें कि सलमान खान ने कुछ दिनों पहले ये घोषणा की थी कि वह लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगे। उन्होंने 25,000 मजदूरों की आर्थिक सहायता करने का फैसला किया था और अब वह इसे पूरा करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान की इस दरियादिली को देखकर ऐश्वर्या राय बच्चन भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर मनोज शर्मा ने एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके अकाउंट में बीइंग ह्यूमन की ओर से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मनोज लिखते हैं कि सलमान खान सर, मुझे कभी आपके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला और न ही मैं आपकी टीम का हिस्सा रहा, फिर भी आप हजारों लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, खासकर वह जो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम सभी आपके कितने आभारी हैं। आपको बताते चले कि सलमान खान ने 7 अप्रैल को 16,000 मजदूरों के बैंक अकाउंट में कुल 4,80,00,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, सलमान ने अगले महीने मई में भी 19,000 मजदूरों के अकाउंट में 5,70,00,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। तो इस तरह से सलमान खान 2 महीने में मजदूरों की कुल 10,50,00,000 रुपए तक की मदद करेंगे। जब सलमान खान के अफेयर की बात होती है तो उसमें ऐश्वर्या राय का नाम जरूर आता है। दोनों की लव स्टोरी बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन आज भी फैंस इन्हें देखना चाहते हैं। दोनों का रिश्ता एक खराब मोड़ पर जाकर खत्म हुआ था। साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या की मुलाकात हुई थी। शूटिंग करते करते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त हिट हुई थी। जब फैंस को पता चला कि रियल लाइफ में भी सलमान और ऐश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो सभी खुशी से पागल हो गए थे। ऐश्वर्या की सलमान की दोनों बहनों अलविरा और अर्पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन ऐश्वर्या की फैमिली हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ रही। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अचानक सलमान और ऐश का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद मीडिया में इस तरह की खबरें आई, इसमें कहा गया कि सलमान ने ऐश को मारा। वहीं ऐसा भी कहा गया था कि ऐश सलमान के फ्लर्टी नेचर से परेशान थी। साल 2002 में ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू आया था, इसमें उन्होंने सलमान खान और अपने रिश्ते को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। ऐश्वर्या राय ने सबसे पहले कहा था कि उनका और सलमान खान का ब्रेकअप हो गया है। ऐश्वर्या कहती हैं कि सलमान और मेरा मार्च में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उसने मुझे कॉल कर वाहियात बातें की। खैर, जो भी हो, फिलहाल ऐश्वर्या राय अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और सलमान खान भी अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से जी रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय आज भी सलमान की इस दरियादिली को लेकर उनका काफी सम्मान करती हैं। तो दोस्तों, सलमान खान की इस दरियादिली के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।